हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज का जो ब्लॉग है स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स किए थे। गेस कर सकते हैं क्या चीज़ का वीडियो होने वाला है आज? थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे आज का वीडियो होने वाला है हेयर रिजीम और हेयर रेमेडीज़, कुछ भी बोल सकते हो आप। मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे इंस्टाग्राम्स पे कि मैम प्लीज़ आप अपना शेयर कीजिए हेयर रिजीम या हेयर रेमेडीज़ जो भी है। मैंने कभी कभी ट्राई भी किया था स्टोरी में डालने का, बट इतना मैं डिटेल में नहीं डाल सकती। देर आर थाउजेंड्स ऑफ रेमेडीज़, बट जो कुछ मेन रेमेडीज़ है वो मैंने मेरी डायरी में नोट डाउन करने का ट्राई किया है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेल्दी हेयर का जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, आपका डाइट कैसा है, आपका रूटीन कैसा है, इन वाटर इनटेक कैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला। मेक श्योर यू टेक गुड डाइट, इनफ वाटर, नॉन बैड हैबिट्स लाइक अल्कोहल एंड एक्सेट्रा, प्लीज़ अवॉइड इट। अच्छी डाइट में क्या क्या हो सकता है? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल्स, राइस, ये सब खाना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब प्रॉपर नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में अच्छे से विटामिन्स, मिनरल्स ये सब नहीं जाएगा और आपके बाल अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। विटामिन्स जो होता है वो आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन्स, बायोटिन और फिश ऑयल कैप्सूल, ओमेगा कैप्सूल, ये सब आप लोग अगर आपके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, बट डॉक्टर के कंसल्ट पर ही। ओके, तो भाई ये तो बात हुई डाइट की। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है। नेक्स्ट इज हेयर कट। मेक श्योर आप रेगुलरली अपने बालों को ट्रिम करवा रहे हो सो दैट आपके जो नीचे के स्प्लिट एंड्स है या फिर रफ बाल है वो नीचे से कट जाएंगे तो अच्छे से नए बाल ग्रोथ करेंगे। ओके, अवॉइड हीटिंग। मेक श्योर जब भी आप हेयर वॉश करो तो डोंट यूज हेयर ड्रायर और कर्लिंग आयरन्स। लाइक जितना आप ये सब हीटिंग आयरन्स वगैरह यूज़ करोगे उतना ही आपके बाल डैमेज होंगे। मैं तो भाई अपने बाल जब भी शैम्पू करती हूँ उनको नेचुरली ऐसे ही छोड़ देती हूँ सूखने के लिए, चाहे उसको 2 घंटा लगे 3 घंटा, आई रियली डोंट केयर। एंड वॉश योर कॉम्ब रेगुलरली। जब भी आप लोग शैम्पू करते हो मेक श्योर आपका जो कॉम्ब है वो भी जितनी बार भी आप लोग शैम्पू करोगे उतनी बार भी उसको वॉश करोगे। कॉम्ब जो होता है उसके अंदर हम लोग जब भी बाल वाल बनाते हैं उसका ऑयल, डस्ट और डैंड्रफ जो होता है उसके अंदर बीच में फंस जाता है और फिर उसके बाद अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारे ही बालों में उसका वापस डैमेज आप लोग को दिखाई देने लगेगा। ठीक है, एंड डोंट शेयर अ कॉम्ब विथ एनीवन। मैं मेरा जो कॉम्ब है मैं इवन मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। हम तीनों का कॉम्ब अलग अलग है, हम लोग एक दूसरे का कॉम्ब शेयर ही नहीं करते हैं और मैं तो बिल्कुल नहीं करती मेरा कॉम्ब शेयर। मैं कहीं फंक्शंस में भी जाती हूँ तो मैं मेरा कॉम्ब छुपा के ही रखती हूँ, मैं किसी को नहीं देती। If you are going through any treatment like smoothening or straightening, make sure कि आप लोग regularly जो है अपने पार्लर वाले के पास जाए, अपना ट्रीटमेंट करवाते रहे। अगर ऐसा है कि हम लोगों ने एक बार स्मूदनिंग या स्ट्रेटनिंग करवा के उसको छोड़ दिया, आई एम टेलिंग यू गाइज आपके बाल जो है एकदम ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास आई हैव एन एक्सपीरियंस। मैंने एक बार स्मूदनिंग करवाया था लॉरियल का एंड दिस वॉज माई वर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं लाइफ में कभी भी स्मूदनिंग और स्ट्रेटनिंग नहीं कराने वाली हूँ। मेरे बाल इतने ख़राब हो गए थे कोविड के टाइम पे, उसके बाद आई वॉज श्योर दैट आई एम नॉट गोना डू। डोंट यूज़ योर टावल रफली। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं तो अपना टावल लिया और ऐसे ऐसे कर देते हैं, इससे आपके हेयर जो होते हैं वो ब्रेकेज होंगे, बीच में से आपके बाल टूटना स्टार्ट हो जाएगा। सो डोंट डू दैट। और जो आपका टॉवल जो होता है वो एकदम सॉफ्ट मटेरियल वाला होना चाहिए और अच्छे से जेंटली अपने बालों को सोक कीजिए। जब भी आप लोग शैम्पू यूज़ करते हो मेक श्योर पानी ना ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा, यूज़ ओनली ल्यूक वार्म वाटर। बहुत ज़्यादा पानी लेने से आपके बालों में डैंड्रफ होना स्टार्ट हो जाएगा और जितना ठंडा पानी आप यूज़ करोगे आपके अगेन हेयर ब्रेकेज का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। सो ऑलवेज यूज़ ल्यूक वार्म वाटर। जब भी आप लोग शैम्पू यूज़ करते हो मेक श्योर जिस डायरेक्शन में आप लोग शैम्पू यूज़ कर रहे हो उसी डायरेक्शन में बाद में आप अपने बालों को कॉम कीजिए। जैसे अगर हम लोग शावर ले रहे हैं, हम लोग ऐसे ही अपना शैम्पू कर रहे हैं तो ऐसे ही कॉम कीजिए। अगर आप ऐसे करके ऐसे कॉम करोगी तो पूरे बाल आपके जो है वो उलझ जाएंगे। और जब भी आप लोग शैम्पू करें मेक श्योर उसके एक दिन पहले या
क्या होता है, मैं तो अगर संडे को मुझे हेयर वॉश करना है तो मैं फ्राइडे को ही ऑयल लगा के छोड़ देती हूँ, बिकॉज आई नो कि मुझे अभी कहीं जाना ही नहीं है, तो मैं 2 दिन पहले ही ऑयल लगा के छोड़ देती हूँ, तो अच्छे से मेरे बाल जो है ऑयल में डिप हो जाते हैं और अच्छे से उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। आई मोस्टली यूज़ कोकोनट ऑयल एंड सरसों ऑयल, दैट्स इट। इसके अलावा एक ऑयल ऐसा भी है जो मैंने घर में बनाया है, एंड सीरियसली गाइस इट्स रियली अमेजिंग। अभी मेरे पास वो नहीं है, ख़त्म हो चुका है, बट मैंने उसको कैसे बनाया है उसका रेसिपी इस क्लिप के बाद में आपको शेयर करूँगी, प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन मा। यू गाइज कैन ऑल्सो यूज हेयर मास्क, होममेड और रेडीमेड जो भी है आपके बालों पे जो सूटेबल है। मेक श्योर आपको अपने बालों को क्वालिटी खुद को ही पहचानना होगा, दे आर ऑयली ड्राई एंड वॉट एवर। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत था मेरे लिए कि मैम आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो। सो आई यूज़ क्लिनिक प्लस, यस मैं बचपन से मैं क्लिनिक प्लस शैम्पू यूज़ करती हूँ। आई यू शादी के बाद मैंने किसी से इन्फ्लुएंस होकर कभी लॉरियल ट्रेसेमे ये सब यूज़ किया है, बट इसमें सिर्फ पैसा वेस्ट और कुछ नहीं, क्लिनिक प्लस इज रियली गुड। आप लोग चाहे तो घर में भी हेयर मास्क बना सकते हो, जो भी रिब्ड बनानाज होता है उसको अच्छे से मैश करके अपने बालों में लगा के आधा एक घंटा के लिए छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा कंडीशन मिलता है। आई थिंक यू डोंट नीड एनी कंडीशनर टू यूज। अच्छे बालों का एक और रीज़न होता है, हमारे चाइल्डहुड में हमने अपने बालों का कितना अच्छे से केयर किया है, ये तो भाई सबसे मेन पॉइंट। अगर हम लोगों ने इनिशियल फेज में ही हमारे बालों का केयर नहीं किया तो अभी हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे बाल अच्छे हों, करेक्ट। तो जो भी गर्ल्स की मोमीज़ हैं आप लोग ये प्लीज़ ट्राई कर सकते हो। अभी का तो आई कांट गारंटी, मैं ये कुछ गारंटी नहीं लेती हूँ कि मेरी जो भी होम रेमेडीज है उससे आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग से हम लोग उनको कितना केयर किया है वो उसका रिजल्ट, सीरियसली उसका रिजल्ट बाद में आता है। मैरिज आई यूज़ टू यूज़ कर्ड विद मेथी, कर्ड जो होता है उसमें मेथी का पाउडर पीस के उसको ग्राइंड करके कर्ड के अंदर मैं उसको घोल के 2-3 घंटा के लिए छोड़ देती थी और अपने बालों में लगा के फिर से मैं उसको 1-1.5 घंटा के लिए छोड़ देती थी, और जब मैं उसके बाद शैम्पू करती थी सीरियसली कोई भी कंडीशनर जो होता है वो उसका कंपैरिजन नहीं कर पाता है। पहले मैंने एलोवेरा जेल, प्योर एलोवेरा जो होता है उसका जेल मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है। लाइक जैसे एलोवेरा का आपने लिया, उसको एक फोक की हेल्प से आप उसका सारा जेल जो होता है एक बाउल में कलेक्ट कर लीजिए, और आप कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हो उसी जेल के अंदर वो वाला शैम्पू कितना क्वांटिटी आपको मैक्सिमम चाहिए वो आप उसमें डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके फिर उससे अपने हेयर वॉश कीजिए, उसके बाद भी आपको कंडीशनर का एकदम भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। शादी के पहले मैंने एग बहुत यूज़ किया है, यस एग को अच्छे से फेंट के मैं छत, मम्मी मुझे घर में नहीं लगाने देती थी तो मैं छत पर जाती थी, एग को अच्छे से फेंट के उसको बालों में लगा के उसको 1/2 घंटा मैक्सिमम छोड़ देती थी। एग से क्या होता है आपके बाल जो होते हैं वो नेचुरल स्ट्रेट होते हैं, यस। फॉर द नेचुरल कलर आई यूज्ड मेहंदी विद सम कॉफ़ी पाउडर, जो एक लोहे का बर्तन होता है उसमें थोड़ा सा हैंड पे जो मेहंदी लगाते हैं उसका पाउडर, उसको आप दही में भी मिक्स कर सकते हो और पानी में भी कर सकते हो, मैं मोस्ट ऑफ मैं दही में ही यूज़ करती थी, और उसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाल के उसको 1-2 घंटा के लिए या फिर पूरा नाइट के लिए भी आप उसको रख सकते हो, फिर नेक्स्ट डे उसको अप्लाई कीजिए, आपके बालों में नेचुरल शाइन और नेचुरल कलर आ जाता है, आपको कोई बाहर का कलर का ज़रूरत नहीं पड़ता। राइस वाटर जो होता है, यस हम जब राइस बनाते हैं उसका जो उबला हुआ पानी होता है मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको फेंक देते हैं, डोंट थ्रो इट, यस दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर योर हेयर, बेटर देन कंडीशनर एंड एनी शैम्पू। आप राइस उबाल के जो भी पानी होता है उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए और उस सेम डे और फिर नेक्स्ट डे उससे अपने बालों को धोए। प्लीज़ अवॉइड कर्लिंग योर हेयर, यू कैन यूज़ हीना इंस्टेड, आप जितना कलर करोगे उतने आपके बाल डैमेज होंगे, आपके वाइट बाल निकल जाएंगे कलर करने से, आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, ब्रैकेज हो जाएगा। आई जस्ट हेट कलरिंग माई हेयर, आई डोंट कलर माई हेयर,
बिकॉज क्या होता है कि जितना आप कलर करते हो आपको उसका उतना ही टेकन केयर करना होगा, आपको बार बार सैलून्स जाना होगा. यस, डू नॉट चेंज शैम्पू अगेन एंड अगेन. ये है सबसे मेन पॉइंट कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हो. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऐड देखते हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ रील देखते हैं या फिर किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. आज हमने ये वाला शैम्पू उठाया लगाया, नेक्स्ट मंथ हमने ये वाला शैम्पू उठाया. ऐसा प्लीज़ मत करिए. आप अपने बालों को पहचानिए, उसका क्वालिटी पहचानिए, उसके हिसाब से आप शैम्पू को यूज़ कीजिए और जितना हो सके आप उसको चेंज ना ही करें तो उतना ही बेटर होगा आप लोगों के लिए. जब भी आप शैम्पू करने जाओ मेक श्योर अपने बालों को अच्छे से कॉम करके जाओ. जितने भी उलझने हैं बालों की सब प्लीज़ निकाल के जाइए, उसके बाद शैम्पू कीजिए. अब बताती है कंडीशनर की. जितना हो सके कंडीशनर को आप लोग अवॉइड कीजिए. अगर आप लोग कंडीशनर लगाना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपका ये जो स्कैल्प है उसमें तो बिल्कुल कंडीशनर ना लगाए, अदरवाइज़ आपको हेयर प्रॉब्लम 100% होगा. आप सिर्फ यहाँ से लेके टॉप तक कंडीशनर यूज़ करें, यहाँ पे तो एकदम भी ना लगाएं. डू नॉट टच योर हेयर अगेन एंड अगेन. बहुत बार होता है कि हम लोग किचन में कुछ काम कर रहे होते हैं या फिर बाथरूम में होते हैं, कपड़े धोने का जो भी काम है, हम लोग बार बार अपने हाथ को अपने बालों में ऐसे 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 करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके बाल बहुत जल्दी ऑयली होने लग जाते हैं. आपको बार बार शैम्पू करना होगा और आप जितना ज़्यादा शैम्पू करोगे उतने ही बाल आपके डैमेज होंगे. जनरली मेरा जो होता है, मैं कॉम्ब योर हेयर जेंटली. ये तो बहुत बड़ा वाला रीज़न है इंडियन वुमेंस का. हम इंडियन वुमेंस भाग भाग के काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्ब लिया, खट 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 इधर से किया, तो इससे आपके इतने बाल टूटने चाहिए तो आपके इतने टूटते हैं. वुमेंस हैव सम पेशेंस, टेक योर टाइम और अच्छे से अपने बालों को जेंटली कॉम्ब कीजिए. इससे ना तो आपका कॉम्ब टूटेगा और ना ही आपके बाल टूटेंगे. थोड़ा टाइम जाएगा बट आपके बालों के लिए तो ठीक है इतना. नेक्स्ट है मेन रीज़न बाल टूटने का. हम जब भी कॉम करते हैं, मैंने बहुत लेडीज़ को देखा है, वो लोग यहाँ से ऐसे ऐसे करके अपने बाल कटती है तो नीचे आके यहाँ पे पूरा बंच बन जाता है और बाल तो ऑब्वियसली भी टूटेंगे. जब भी आप लोग कॉम करें मेक श्योर आप नीचे से ऊपर तक कॉम करें. जैसे अगर आपके बाल उलझ गए तो हम लोग यहाँ से कॉम करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा बंच बना हुआ है ऑलरेडी, अगर हम यहाँ से बाल बनाएंगे तो वो यहाँ पे आगे स्टक हो जाएगा और फिर बाल टूटना तो ऑब्वियसली आई कांट हेल्प इट आउट. सो दैट आप नीचे से अपने बाल सुलझाइए बॉटम टू टॉप ऐसे ऐसे कर. सो अपार्ट फ्रॉम दीज रेजीम्स और रेमेडीज आई एम गोना शेयर मैनी मोर हेयर केयर रूटीन्स एंड रेजीम on my Instagram story. You guys can follow me on my Instagram. The link is in the description box. Thank you. So if you guys like my video, please do like, share and subscribe to my channel. And thank you.